वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। आज का जैसा टॉपिक देख रहे हैं कि टू कनेक्टेड बार्स लिखा हुआ है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा टू कनेक्टेड बार्स के ऊपर है, जो कि एक्चुअली आपका मॉस का टॉपिक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग टू जो आपका कनेक्टेड बार्स होता है उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एक। तो जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपका दो कनेक्टेड बार्स है, दो कनेक्टेड बार्स है, इसका क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज देख लेते हैं कि हमें एक निकालना क्या है। तो इसमें पूछा गया हमें टोटल डिफॉर्मेशन, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो डेल एल की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहली चीज है टोटल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल एल इक्वल टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू। अब हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी आपका सेटअप दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए हम लोग सेपरेट कर लेते हैं ए बी, और ये हो गया आपका बी सी। ठीक है, ए बी और ये आपका बी सी। देखिए ए बी में जितना यहाँ पे लोड लग रहा है 160 किलो न्यूटन, सेम आपका यहाँ पे भी लगेगा 160 किलो न्यूटन। और जो साइन होगा, जो साइन मतलब अगर आपका ये टेंसाइल है तो टेंसाइल इधर भी होगा, और आपका अगर कंप्रेसिव तो कंप्रेसिव इस साइड भी होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इस साइड की, तो इस साइड आपका 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है सी पे यहाँ पे, तो सेम आपका यहाँ पे भी उतना ही लगेगा 160 किलो न्यूटन। जो आपका साइन होगा वही साइन के साथ यहाँ पे भी लगेगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों पोर्शन का हम लोग लेके हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला बस वही रहेगा हमारा जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सुपर पोजिशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा फुल फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल इज इक्वल टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो डेल एल वन क्या हो जाएगा आपका पी वन एल वन ए वन ई। देखिए ई आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, दोनों ही सेम आपका मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए E क्या है, कांस्टेंट है, तो E को हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो P2 L2 अपॉन A2 E, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन E P1 L1 अपॉन A1 प्लस आपका P2 L2 अपॉन A2। नाउ पुटिंग द वैल्यू 1 अपॉन 200 इंटू 10^3। ठीक है, PL, so P1 कितना हो गया आपका 160 किलो न्यूटन, 160 into 10^3। L1 कितना है आपका 90 mm, L1 कितना है आपका 90 mm, so 90 upon area कितना है, A1 कितना है आपका वो है 50 mm square plus P2 कितना है आपका 160 same into 10^3 into distance कितना है आपका 120 मतलब length upon area है आपका 100। so अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल डिफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। हमारे डेल एल की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि टोटल डिफॉर्मेशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.4 mm। तो डेल एल की वैल्यू हमारी जो आ गई है वो है आपका 2.4 mm। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, इस इसका ये आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे आपका टू कनेक्टेड बार्स का, आपका बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका थ्री कनेक्टेड बार्स का, उसका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा फिगर होता है। तो थोड़ा उसको ध्यान से देखने के लिए या समझने के लिए पहले आपको टू कनेक्टेड बार्स का भी समझना जरूरी है, और इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसको भी समझना ज्यादा जरूरी है। इसलिए पुराने वीडियोज को भी पहले देख लें, उसके बाद हमारे आगे के वीडियोज को कंटिन्यू करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे।